बच्चों, कक्षा 6 की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6, जीव जगत। जीव जगत चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। सजीवों के लक्षण, सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है, वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों। साथ ही कोशिकाओं एवं सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय हम लोगों ने पढ़ा था। सजीवों का वर्गीकरण, तो उसमें हमने जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ लिया है बच्चों, कि जंतुओं को विभिन्न आधार पर किन किन भागों में बांटा गया है। साथ ही बच्चों, हम लोगों ने पौधों का वर्गीकरण भी पढ़ लिया था। आज हमें स्टार्ट करना है पौधे के विभिन्न भागों की संरचना एवं कार्य। तो पौधों के विभिन्न भागों की संरचना एवं कार्य जो है वो हम पढ़ेंगे। तो विभिन्न भागों की संरचना, तो विभिन्न भाग से क्या तात्पर्य है, यानी पेड़ के भी तो भाग होते हैं, मतलब उसको किन 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 चीज़ों से मिलकर के बना होता है। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिए, जो पेड़ होता है कोई, उसमें निश्चित रूप से जड़ होती है उसकी, उसका कोई ना कोई तना होता है, पत्तियाँ होती हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं। तो ये जो उनके क्या है, पौधों के अलग अलग अंग हैं। ये अंग बच्चों जो मिल करके पूर्ण विकसित पेड़ बनाते हैं या पौधा बनाते हैं या पादप बनाते हैं। पौधे के जमीन के अंदर का जो भाग रहता है वो क्या कहलाता है, जड़। देखा है ना आपने, वो कहाँ होती है, पौधे के जमीन के अंदर होती है। जड़ का जो भाग रहता है वो जमीन के अंदर रहता है, मिट्टी में रहता है ना, तो उसे क्या कहा जाता है, जड़ तंत्र कहा जाता है। और जमीन के जो ऊपर वाला भाग रहता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, प्ररोह तंत्र कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। जो मिट्टी के अंदर का भाग है, जमीन के नीचे का भाग है, क्या कहलाएगा, जड़ तंत्र कहलाएगा। और जमीन के ऊपर का भाग क्या कहलाएगा बच्चों, प्ररोह तंत्र कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक पौधा बना हुआ है, यहाँ पर सरसों का पौधा बना हुआ है, दिख रहा होगा आपको चित्र इसका। तो सबसे पहले अब इसकी हम विभिन्न भागों को जो है वो देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से भाग हैं। ये देखिए बच्चों, आपके सामने सरसों का पौधे का चित्र बना हुआ है। तो इस चित्र में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो ये जमीन है, देख रही है आपको जमीन बच्चों, तो इसके नीचे का भाग क्या कहलाएगा, जड़ तंत्र कहलाएगा। और जितना भी जमीन से ऊपर का भाग है वो क्या कहलाएगा बच्चों, प्ररोह तंत्र कहलाएगा। तो अब ये सरसों के पौधे में कौन कौन से इसके अंग हैं उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, जो नीचे का जड़ तंत्र है उसमें क्या है, जड़ है। जड़ भी दो तरीके की होती है बच्चों, प्राथमिक जड़ और द्वितीयक जड़। प्राथमिक जड़ किसे कहेंगे, जो मोटी एक मूल जड़ होती है उसे क्या कहा जाता है, जो स्टार्टिंग में ही जमीन से निकलती है वो क्या कहलाएगी, इसकी प्राथमिक जड़ कहलाएगी। और जो उसकी मोटी वाली जो जड़ है उससे जो ब्रांचेस निकली हुई हैं वो कहलाएंगी, क्या कहलाएंगी बच्चों, द्वितीयक जड़ कहलाएंगी। समझ में आया, प्राथमिक जड़ किसे कहेंगे, द्वितीयक जड़ किसे कहेंगे। जमीन से जो अंदर का हिस्सा है, जो मोटी सी जड़ जा रही है वो प्राथमिक जड़ कहलाएगी बच्चों। और जो उसकी ब्रांचेस, मेन वाली जो जड़ है प्राथमिक जड़ से जो उसकी ब्रांचेस निकली हुई हैं, शाखाएं निकली हुई हैं, वो क्या कहलाएंगी बच्चों, द्वितीयक कहलाएंगी। ठीक है, अब ऊपर वाले भाग जो प्ररोह तंत्र है उसमें देखें क्या क्या चीजें आती है। तो प्ररोह तंत्र में देखिए बच्चों, यहां पर आपको दिख रहा होगा ये पत्तियां हैं इसकी। ठीक है, ये पत्तियां जो ग्रीन ग्रीन सी दिख रही हैं, ये क्या है, इनको क्या कहा जाता है, पत्ती कहा जाता है। और जो ये भाग दिख रहा है ये क्या कहलाता है बच्चों, तना। जो बीन जो है जिसपे पौधा जो है हमारा टिका हुआ है ये क्या कहलाता है, तना कहलाता है। ठीक है, ट्रंक बोलते हैं इंग्लिश में उसको। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फल लगे हुए हैं। सबसे पहले इसमें क्या आते हैं, फल से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके क्या है, फल हैं। और यहाँ पर जो है वो पुष्प भी, इनके जो पीले कलर के पुष्प आपको सरसों के जो पौधा है उसमें देखे देखा होगा आप लोगों ने, तो इसमें जो फूल खिले हुए हैं वो फूल पीले पीले कलर के खिले हुए हैं, वो उनको क्या कहा जाता है, पुष्प कहा जाता है या फूल कहा जाता है। ठीक है, और फल, तना, पत्ती और ये जड़, ये इनके मेन भाग हो गए। यहाँ हम सबसे पहले जो है वो नीचे का जड़ तंत्र है उसकी उसका उसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो जड़, तो जड़ तंत्र में मेन क्या चीज़ है, जड़। तो जड़ें कैसी होती हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पौधे जो हैं वो जड़ के द्वारा जमीन पर स्थित होते हैं। और अपने परिवेश में पाए जाने वाले कुछ पौधे जैसे चना का पौधा हो गया, मटर हो गया, घास हो गया, उन्हें उखाड़ कर उनके जड़ों का अवलोकन आप करिए, देखिए कि कैसे उनकी जड़ें दिखती हैं। तो आप देखेंगे बच्चों कि जो चना और मटर की जड़ थी उसमें क्या होता है, एक मोटी सी जड़ रहती है और उसमें पतली पतली शाखाएँ निकली होती हैं, ये मूसला जड़ कहलाती है। जो मेन वाली जड़ है उसे क्या कहा जाता है, मूसला जड़ या प्राथमिक जड़ कहा जाता है। ठीक है, घास जो होती है, जो घास में जो जड़ होती है, तो एक ही स्थान से अनेक शाखाएँ गुच्छे के रूप में निकलती हैं। आपने देखा होगा जब घास आप उखाड़ के देखिएगा तो उसमें ढेर सारी शाखाएं पतली पतली सी महीन महीन से दिखेंगी, वो अनेक शाखाएं गुच्छे के रूप में निकलती हैं। तो ऐसी जड़ों को क्या कहा जाता है, अपस्थानिक जड़ कहलाती हैं वो, या अपस्थानिक जड़ उन्हें कहा जाता है। तो यानी जड़ क्या हुई, दो प्रकार की हुई, एक मूसला जड़ हुई और दूसरी क्या हो गई, अपस्थानिक जड़ हो गई।
यहाँ देखिए बच्चों, ये चित्र बना हुआ है। इस चित्र में आप जो है वो जड़ों को समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। तो ये जो मेन जो जिसमें एक मोटी सी एक जड़ निकली रहती है और उससे जो पतली पतली सी जड़ें निकली रहती हैं, उन्हें क्या, जो मेन वाली जड़ होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी प्राथमिक जड़ कहलाएगी बच्चों। और जो उससे ब्रांचेस निकली हुई हैं वो क्या कहलाएंगी, द्वितीयक जड़ कहलाएंगी। प्राथमिक जड़ है ये, और इसी को क्या कहा जाता है, मूसला जड़ भी कहा जाता है। दूसरा चित्र आपके सामने जो दिखाई दे रहा है वो है अपस्थानिक जड़। इसमें क्या होता है कि जो जड़ें होती है उसका एक कोई मेन ब्रांच नहीं होता, जैसे ये जो मेन दिख रही है वो नहीं होती है, बल्कि वहीं से जहां से वो जमीन के अंदर है वहां से ढेर सारी एकदम अलग अलग ब्रांचेस निकली होंगी, उन्हें क्या कहा जाएगा, अपस्थानिक जड़ कहा जाएगा। समझ में आ गया बच्चों, मूसला जड़ किसे कहेंगे और अपस्थानिक जड़ किसे कहेंगे, आप पहचान भी लेंगे। ठीक है, तो ये हो गई बात जड़ों की प्रकार की। तो मूसला जड़ क्या है बच्चों, तो मूसला जड़ में एक मोटी मुख्य जड़ होती है जिसे क्या कहा जाता है, प्राथमिक जड़ कहा जाता है। और मुख्य जड़ से जो है अनेक पतली पतली जो है वो शाखाएं निकली रहती हैं, जिन्हें क्या कहा जाएगा बच्चों, द्वितीयक जड़ कहा जाएगा। इनसे पुनः निकलने वाली शाखाओं को तृतीयक जड़ कहा जाएगा। अब जैसे ये मेन थी, अब इसमें से ये निकली तो ये क्या कहलाएगी बच्चों, द्वितीयक जड़ कहलाएगी। अब ये द्वितीयक जड़ जो हमारी जा रही है इससे भी एक ब्रांचेस निकली आपको दिख रही होंगी, ये क्या कहलाएंगी, ये तृतीयक जड़ कहलाएंगी। समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को। मूसला जड़ जो है वो जमीन में गहराई तक, ये जो मोटी सी दिख रही है ना आपको नीचे तक जाएगी, तो जो मूसला जड़ होगी जमीन में गहराई तक जाती है और मिट्टी में फैलकर पौधों को मजबूती प्रदान करती है और पौधे को स्थिर रखती है। चना, मटर, सेम, ये सब, इन सब में कौन सी जड़ पाई जाती है बच्चों, मूसला जड़ पाई जाती है। और जो ये अपस्थानिक जड़ है तो ये किसमें इसमें पाई जाएगी, तो गेहूं, धान, मक्का, इन सभी में अपस्थानिक जड़ पाई जाती है। इसमें बीजों से निकले मूसला अंकुर की वृद्धि जो है कुछ लंबाई के बाद रुक जाती है और तने के आधार से अनेक शाखाएं जो है वो रेशों की भांति निकलती हैं। जो तने के आधार से ढेर सारी ऐसे ऐसे ब्रांचेज यहीं से निकलेंगी। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, अपस्थानिक जड़ें कहा जाता है। ठीक है, या रेशेदार जड़ें भी कहा जाता है। तो जो जड़ें होती हैं बच्चों वो क्यों जरूरी हैं, क्योंकि जड़ें ही पौधों को भूमि में स्थिर रखती हैं, थामे रहती हैं। अगर जड़ जो है जमीन के अंदर नहीं होगी तो पौधा तो टिक ही नहीं पाएगा जमीन में ना, तो जड़ें जो हैं वो उनका बहुत महत्व है, तो वो पौधों को भूमि में स्थिर रखती हैं। और क्या करती हैं, तो मूल रोम की सहायता से भूमि से जो पानी में जो हम डालते हैं वो किस में डालते हैं, मिट्टी में डालते हैं, तो पानी को जो है वो ले करके और उसमें से घुले हुए खनिज लवणों को लेकर के जो है वो पूरे पौधे तक पहुंचाने का काम जो है वो क्या, कौन करती हैं, जड़ें ही करती हैं। तो जड़ें जो हैं पौधों को भूमि में स्थिर रखती हैं और भूमि या जमीन से जो है पानी और उसमें घुले हुए खनिज लवणों को पौधे के दूसरे भागों तक पहुंचाती हैं। समझ में आ गया बच्चों। अब हम दूसरे उसके पार्ट, जो पौधा है उसका दूसरा पार्ट है तना, उसकी चर्चा करते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, एक चित्र दिख रहा होगा जो कि गन्ने के पौधे का चित्र है। तो गन्ना आपने देखा होगा उसका कैसा होता है, तो देखिए उसमें एक मोटा सा जो है वो तना होता है। ठीक है, तो तना जो होता है एक तरह से कहा जाए वो पौधे के प्ररोह का सबसे दृढ़ भाग होता है। प्ररोह तंत्र मतलब ऊपर का भाग, जमीन के ऊपर भाग का भाग क्या कहलाता है, प्ररोह तंत्र कहलाता है। तो जो सबसे ऊपर जो निकला हुआ भाग है उसमें जो सबसे मजबूत भाग होता है, सबसे दृढ़ भाग होता है, इसे स्तंभ भी कहते हैं बच्चों। तो ये क्या होता है, तना होता है। प्रारंभ में जब पौधा उगता है तो उसमें तने क्या होते हैं, कोमल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये पुराने होते जाते हैं और शाख, झाड़ी या वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं तब वैसे ही वो मजबूत होते जाते हैं। और तने में गांठ जैसी संरचना बन जाती, जैसे कि आपने देखा होगा ये यहाँ छोटी छोटी सी ऐसी दूर दूरी पे गन्ने के पौधे में गांठ दिखती है आपको ना, दिखाई देती होगी। तो जो गांठें होती हैं उनको क्या कहा जाता है, पर्व संधि कहते हैं। गांठों को क्या कहते हैं, तने में गांठ जैसी रचना को क्या कहा जाता है बच्चों, पर्व संधि कहते हैं। समझ में आ गया। और जो दो निकटतम पर्व संधियों के बीच का स्थान रहेगा, जैसे ये पर्व संधि हो गई यानी जहाँ पे जुड़ा हुआ है, आपको यहाँ पे हल्के हल्के से कभी कभी ऐसे रेशे भी निकले हुए दिखेंगे, तो ये पर्व संधि कहलाएगी। और दूसरी, मान लीजिए दूसरी गांठ ये है, तो इन दोनों के बीच का हिस्सा क्या कहलाएगा बच्चों, पर्व कहलाता है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये दूसरी गांठ यहाँ पे है, ये पहली गांठ थी हमारी, इन दोनों के बीच का हिस्सा क्या कहलाएगा, पर्व कहलाएगा। समझ में आया बच्चों। दूब, घास और मक्का, बांस, गन्ना आदि जो पौधे हैं इनमें स्पष्ट रूप से हमें ये दिखाई देती हैं गांठें, पर्व संधि जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। बच्चों, पेड़ पौधों में पत्तियों तक पानी और खनिज लवण जो पहुंचाने की एक निश्चित व्यवस्था होती है, तो
वो कौन पूरा करता है? तने। तने में क्या होता है? पतली पतली सी नलियाँ होती हैं, है ना, छोटी छोटी सी एकदम महीन महीन सी नलियाँ होती हैं, और इनका संबंध जो होता है जड़ों से होता है, जो ज़मीन के अंदर जड़ें हैं ना उससे होता है। तो इन जड़ों के द्वारा जो है वो पानी जो है, ज़मीन का पानी जो हमने डाला है उसमें पेड़ में या ज़मीन में जो रहता है पानी, उसको लेकर के जड़ें जो हैं वो तने के माध्यम से, तने की में जो पतली पतली सी नलियाँ उनके माध्यम से होते हुए पत्तियों तक जाता है। ठीक है, तो पत्तियों में पानी कहाँ से आता है? वो जड़ों के माध्यम से जो है वो पहुँचता है, जो तने में जो जड़ों से होते हुए तने के माध्यम से पहुँचता है, जो तना होता है उसमें पतली पतली सी नलियाँ होती हैं। तना बच्चों जो है वो शाखाओं, पत्तियों, फूल और फल को विकसित होने का स्थान देता है तथा इन सब का आपस में संबंध भी स्थापित करता है। तने की जो शाखाओं पर पत्तियां इस प्रकार व्यवस्थित होती हैं कि प्रत्येक पत्ती को सूर्य का प्रकाश मिल सके। ऐसा नहीं होता कि जैसे अब ये यहाँ पे इस तरफ से पत्ती निकलेगी तो दूसरी वाली पत्ती दूसरी तरफ से निकलेगी, ठीक है, उसी के बगल ऊपर नीचे से नहीं निकलती, एक इस तरफ से निकली तो दूसरी दूसरी तरफ से निकलेगी। आपने देखा होगा उनके बीच में थोड़ी थोड़ी सी दूरी होती है, और जनरली एक इस तरफ निकलती है तो दूसरी इस तरफ निकलती है, हर पौधे में देखा होगा जनरली ऐसा ही होता है, ताकि जो है सभी पत्तियों को सूर्य का प्रकाश मिल सके। तना जल एवं खनिज, जो खनिज पदार्थ हैं उनके संवहन और भोजन स्थानांतरण का कार्य करता है। तो भोजन का स्थानांतरण भी जो है वो करता है, जैसे अगर पानी जो है वो कहाँ तक पहुँचता है? पत्तियों तक, किसके माध्यम से? तने के माध्यम से, जो जड़ से लेते हुए तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचा। पत्तियाँ जो हैं वो भोजन बनाती हैं, अब जो भोजन बन गया है उसको भी तो पूरे पेड़ को चाहिए है, तो तनों को भी चाहिए है, जड़ों को भी चाहिए है भोजन, तब तो वो आगे बढ़ेंगे, उनके उनकी वृद्धि होगी। तो वो किसके माध्यम से होता है? वो तने के माध्यम से, यानी जो तना है वो जल और खनिज लवण के संवहन और भोजन के स्थानांतरण का कार्य करता है। बच्चों अब हम चर्चा करेंगे जो पौधे का दूसरा भाग है, पत्ती, ना वो इंपॉर्टेंट भाग है ना। तो पत्तियां बच्चों जो किस रंग की होती है? जनरली आपने देखा होगा कि पत्तियां हरे कलर की होती हैं, देखा है ना, किसी का डार्क हरा होगा, किसी का थोड़ा कम हरा कलर होगा, लेकिन हरे कलर की ही जनरली पाई जाती हैं पत्तियां। तो पत्ती का वह भाग जिससे पत्ती तने से लगी होती है वो क्या कहलाता है? पर्णाधार कहलाता है। यहाँ पर देखिए पीपल की पत्ती की बाह संरचना प्रदर्शित की गई है। तो जो यहाँ पर ये जो तना है, ठीक है, तने से जो भाग लगा हुआ है, यहाँ से पत्ती निकली हुई ना, तो ये क्या कहलाएगा? आपका पर्णाधार कहलाएगा। तने से जहाँ से पत्ती जुड़ती है उसे क्या कहते हैं? पर्णाधार कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? फिर इसके बाद पत्ती का चपटा भाग जो है वो पर्णफलक कहलाता है। पर्णफलक कौन सा हो जाएगा आपका? पर्णफलक मतलब चपटा भाग, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पत्ती कैसी है? पतली सी है और चपटी हुई सी है ना, तो ये वाला भाग यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भाग पूरा क्या कहलाएगा आपका? पर्णफलक कहलाता है। पर्णफलक तथा पर्णाधार के बीच जो है एक थोड़ा सा डंठल नुमा जो है भाग होता है, इसे क्या कहते हैं? पर्णव्रंत कहते हैं। जो ये पर्णफलक है यानी हमारी जो पत्ती वाला जो दिख रहा है हिस्सा वो, और जहां से पत्ती तने से जुड़ी हुई है यानी पर्णाधार, उसके बीच जो मोटा सा डंठल टाइप का जो भाग होता है वो कहलाता है पर्णव्रंत। ठीक है, सामान्यतः पत्तियों की ऊपरी सतह जो है वो गहरे हरे रंग की और चिकनी सी होती है ना। गहरे हरे रंग के द्वारा पत्तियां सौर ऊर्जा का अवशोषण करती हैं और चिकनी सतह से प्रकाश की अनावश्यक किरणों का परावर्तन होता है। ठीक है, तो निचली सतह पर और जो पत्ती आप देखेंगे ऊपर से तो चमकने वाली दिखेगी, चमकीले दिखेगी, लेकिन जब आप पत्ती को पलट कर देखेंगे बच्चों तो वहां पर जो सतह दिखेगी वो चमकीली नहीं होती, वो खुरदुरी सी होती है, उसमें ढेर सारी जैसे लगेगा सिराएं या शाखाएं निकली हुई हैं, उनका जाल दिखाई देगा। तो सिराओं की उपस्थिति से पूरा पर्णफलक जो है वो फैला रहता है पूरा यहाँ पे। इसका जब आप पत्ती को पूरा पलट के देखेंगे, आप उठाइएगा कोई भी पत्ती देख लीजिएगा, इसमें तो पीपल की पत्ती बनी हुई है उसमें तो और स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन आप कोई भी पत्ती उठा के आप उसको देखिएगा तो ऊपर से वो चमकीली दिखेगी और जब आप उसको पलट के देखेंगे तो खुरदुरी और उसमें ढेर सारी सिराएं का जाल दिखाई देगा। हाँ, तो सिराओं का जो जाल होता है वो पत्तियों के द्वारा बने पौधों को पौधे के तने तक पहुँचाने का, जो ये जाल वाला भाग होगा वो पत्तियाँ भोजन बना लिया, भोजन को दूसरे अंगों तक भी तो पहुँचना जरूरी है, तो पौधे के तने तक पहुँचाने का कार्य जो है वो सिराओं का जाल करता जो इसके बीच में बना हुआ है पीछे की तरफ। ठीक है, पत्तियों की सतह पर अनेक जो है वो छोटे छोटे से छिद्र होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। ये यहाँ पे महीन महीन से छिद्र होते हैं और जिन्हें क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है बच्चों ना। और इन छिद्रों के द्वारा ही पत्तियां श्वसन करती हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तथा प्रकाश संश्लेषण जैसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वो इन छिद्रों के माध्यम से, जिन्हें रंध्र कहा जाता है, उन्हीं की सहायता से होते हैं। ठीक है, तो ये आज हमने
ती की जो है चर्चा कर ली। अब हम बढ़ते हैं आगे, एक और भाग है पुष्प, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए पौधे का एक महत्वपूर्ण भाग होता है पुष्प, सबसे सुंदर सा होता है ना पुष्प, सभी को अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं, तो ये रंग बिरंगे भी होते हैं। तो पौधे का सबसे आकर्षक और महत्वपूर्ण अंग होता है पुष्प, और ये जो है वो पौधे के तने तथा शाखाओं से लगे होते हैं। तने की शाखाओं पर स्थित कलियाँ जो हैं वो जब बड़ी होती हैं रूपांतरित हो जाती हैं वो किसमें, पुष्प में बन जाती हैं। तो यहाँ देखिए एक प्रारूपी पुष्प की संरचना दी हुई है जो आपके सामने प्रदर्शित हुई है। तो यहाँ सामान्यतः जो पुष्प है उसके चार भाग होते हैं, बाह दल, ठीक है, फिर दल होता है, फिर पुंकेसर होता है और स्त्री केसर पुष्प होता है। तो कितने भाग हुए सामान्यतः पुष्प के, चार भाग होते हैं, बाह दल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर पुष्प, ठीक है, बाह दल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर पुष्प, ठीक है। तो पुष्प जो है वो पौधे का जनन भाग है या जनन अंग है। पुष्प जो हैं वो उन्हीं के द्वारा पौधे का प्रजनन होता है। अपना कोई भी पौधा है वो अपनी वंश की वृद्धि यानी दूसरा आपने जैसा पेड़ जो है वो पुष्प के माध्यम से ही पैदा करता है। इसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं यानी अपनी वंश वृद्धि करते हैं और निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल विकसित होता है। मतलब जब ऐसा होता है तो फिर उसके बाद उसमें कभी कभी होता है कि पुष्प के बाद उसमें फल भी निकलते हैं। तो जो फल होता है फल में एक बीज हो जाता है अंदर, उसी में एक या कई, किसी किसी पौधों में तो अनेक बीज भी होते हैं। तो फिर ये जो बीज होते हैं वो अनुकूल परिस्थितियां जब उनको मिलती हैं तो वो अंकुरित होकर के नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए पुष्प की संरचना है, जो सबसे नीचे वाला भाग है ये पुष्पवंत कहलाता है, जो इससे थोड़ा सा जुड़ा हुआ भाग है जहाँ से ये डंडी जो है वो जुड़ी हुई है वो कहलाता है बाह दल कहलाता है, और यहाँ से जो ये इस तरीके का निकला हुआ भाग है, यहाँ पर जो ऐसे ऐसे निकले हुए हैं, ये जो बीच वाला भाग है ये क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। ये जो छोटे छोटे से निकले हैं ऐसे ऐसे करके वो क्या कहलाएंगे, इसके पुंकेसर कहलाते हैं, ठीक। और जो मेन वाला भाग है जो अंडाशय के ऊपर का ऐसे पतला सा भाग है वो वर्तिका कहलाता है बच्चों, और ये जो है वो दल कहलाते हैं जो पत्तियाँ जैसी दिख रही हैं, और ये जो है ये वाला भाग जो है वो मेन यहाँ वाला भाग क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र कहलाता है। ये एक पुष्प की संरचना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, क्योंकि ये वीडियो क्लासेस जो हैं एकदम निःशुल्क है, आप भी इसका लाभ लीजिए, शेयर कीजिए, दूसरे बच्चे भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।